successful in containing the situation in minimum possible time with almost no injury to the citizens. Sir, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि सब जो नाम की फिजिकल कंप्लेनिंग सर सब हिंदुनिया से कंप्लेनिंग चली थी और कितने व्यक्ति थे सर कितने राउंड फायर हुआ था? देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं, वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो है वो रिकवर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों ने ये देखिए वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत डिटेल में इसकी जांच उसका जांच कर ली, उसकी जांच हो जाएगी। वैसे ये जो इलाका है जिस तरह बहुत ही हाईली डेंस पॉपुलेशन है, रात में दिन में हर समय में लोग बाहर निकलते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आपस में पड़ोस में क्वेरल होता है, जिसका की बहुत सारी कॉल्स आती है और उसको पुलिस हम लोग पेशेवर तरीके से हैंडल करते हैं। अब ये जांच का विषय है, इसको ऐसा बता रहे हैं कि अंसार कोई कॉल आई थी। लेट अस नॉट गो ऑन फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और आप सबों से भी मेरी विनती होगी कि किसी तरह के जो छोटे मोटे और बहुत तरह की जो अफवाहें हैं इस पर न जाएं। बहरहाल हमारे पास जो कोई किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन या डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में आ रहा है, उसको हम रिकॉर्ड पर लेकर उसकी हम बखूबी डिटेल में जांच करेंगे। जिससे भी संपर्क करने की जरूरत होगी उससे संपर्क करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी न्यूएंसेस सामने आएंगे उसको डिटेल उसका एग्जामिनेशन करेंगे। पांच टीम्स में ऐसा कोई डिवीजन हुआ है मैपिंग को लेकर, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को लेकर? मैडम वो चीजें इन्वेस्टिगेशन का है, बहुत सारी टीमें बनी है, क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। हम लोग भी लगे हुए हैं। सर अभी तक कोई इनपुट मिला है आपको बंगाल से? अभी तक कोई ऐसा इनपुट मिला है आपको बंगाल से? कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। हम लोग हर चीज पर हर एंगल से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे देख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नाउ इट इज मोर देन एनफ। अभी हम लोग के नॉलेज में नहीं है ये, वो अभी इन्वेस्टिगेशन।